नमस्कार दोस्तों, मैं एरियल न्यूज़ चैनल से अशफाक। दोस्तों, मोहनलालगंज के सांसद कौशल किशोर के बेटे आयुष इस वक्त बहुत ही ज़्यादा चर्चे में है। आयुष ने विरोधियों को फंसाने के लिए खुद पर ही एक फायरिंग कराई थी, जिसके बाद में पुलिस ने खुलासा किया कि आयुष ने विरोधियों को फंसाने के लिए ये फायरिंग कराई थी। आयुष ने जो फायरिंग कराई थी उसको गोलीकांड के नाम से जाना जा रहा है। दोस्तों, आइए जानते हैं विस्तार से पूरी खबर को, आखिर क्या है मामला। तीन मार्च को मोहनलालगंज के सांसद कौशल किशोर के बेटे के ऊपर फायरिंग हुई थी। अपने बयान में सांसद पुत्र ने विरोधियों पर फायरिंग करने का आरोप लगाया था। मामला हाई प्रोफाइल का होने के कारण पुलिस ने छानबीन को तेजी से करना शुरू कर दिया और सामने आया कि सांसद पुत्र के कहने पर उसके साले आदर्श ने ही फायरिंग की थी। आदर्श ने पुलिस की पूछताछ में यह बात कबूल करते हुए बताया कि आयुष ने अपने विरोधियों को फंसाने के लिए खुद पर फायरिंग कराने की साजिश रखी थी, जिसके बाद आयुष के साले को गिरफ्तार कर लिया गया था। वहीं आयुष फरार है और आयुष काफ़ी दिनों से फरार चल रहा है। हत्या कि उसकी एक वीडियो सामने आई है और वीडियो के अंदर आयुष ये कहता हुआ नज़र आ रहा है कि जो मैंने किया उस लड़की अंकिता के जाल में फंस के किया। कभी मैंने अपने माँ बाप की बात नहीं मानी, हर बात मैंने उनके विरोध में की। मैंने जो किया मैं उसकी सज़ा भुगतने के लिए तैयार हूँ, मुझे माफ़ कर दें। और आयुष ने कहा, परिवार वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर मैंने अंकिता से शादी की। कुछ महीनों तक ठीक चला, लेकिन धीरे धीरे सब राज बाहर आने लगे। अंकिता ने पहले किसी एक शख्स से शादी कर रखी थी जिसकी तलाक नहीं हुआ है। मेरी पत्नी ने मुझ पर गोली चलवाई है और जल्द ही मैं सिलेंडर करने वाला हूँ। समय 19 साल थी और उसकी लड़की की उम्र 24-25 साल। उसने मुझे जाल में फंसाया अपने, मैं पागल हो गया था उसके प्यार में। आज वो कहती है मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। उसका पूरा परिवार मैं पाल रहा था, 4-5 महीने मैंने पाला। उसके बाद जब मेरी स्थिति खराब हुई तब ये सब ड्रामे होने लगे, सारी चीजें मेरे सामने आने लगी, शादी के बारे में ये सब। तो भाई मैं ये कह, मैंने कोई जुर्म नहीं किया है। मैं आऊँगा, मैं आ रहा हूँ लखनऊ, सरेंडर करूँगा। मुझे बैठाओ, उसे बैठाओ, जो जिस तरह करना हो, जिस तरह जो इंक्वायरी करनी हो, जिस तरह टॉर्चर करो, मुझे भी करो, उसे भी करो, सच्चाई सामने आएगी। मेरे पिताजी का बयान ले रहे हो, मेरे पिताजी का इंटरव्यू ले रहे हो, उसके पिताजी का, उसके पिताजी नहीं है, उसकी माताजी नहीं है, वो फ्रॉड है। उनका इंटरव्यू लो जाके, वो सच बताएंगे, वो सच बताएंगे। गांव हुजूरपुर जाओ, वहां पे पता करो उसके बारे में। प्रदीप कुमार सिंह को मिलो, वो भी मेरी तरह ही है, बस वो बोल नहीं पाया, मैं बोल रहा हूँ। क्योंकि इज्जत तो है यार सबकी, मेरी है, लेकिन मेरी तो पूरी डुबा दी गई है। प्रेस, मीडिया, पुलिस, सबने। मैं आऊंगा, जल्दी ही आऊंगा, आ रहा हूं मैं। जिसको जिस तरह पूछताछ करनी हो, जो करना हो करे मेरे साथ, मैं हर चीज के लिए तैयार हूं। उस लड़की को भी करो, उसके बारे में पता करो पहले, तब मेरे पे उंगली उठाओ, मेरे पिताजी पे उंगली उठाओ। इसमें मेरे पिताजी का कोई वो नहीं है, उन्होंने मुझे बहुत मना किया था, लेकिन मैंने धमकी दी, सुसाइड की, ये करा वो करा, उसके कहने पे करा। लड़की के, मैं उससे प्यार करता था, लेकिन उसकी सच्चाई जानने के बाद आज मैं पछता रहा हूँ। हाँ, मेरा सुसाइड करना।